हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आइडिया में। आज का जो हमारा टॉपिक है फिटर सेकेंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू के बारे में है। इसके पहले भी हमने आपको फिटर सेकेंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू सॉल्व करके दिया है, जो मेरे चैनल के आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है फिटर सेकेंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन है, विच स्पेशल फाइल इज यूज टू नैरो वर्क, मतलब नैरो वर्क करने के लिए किस स्पेशल फाइल का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फिलर फाइल, दूसरा ऑप्शन है स्क्वायर फाइल, तीसरा ऑप्शन है ड्रेडनॉट फाइल और चौथा ऑप्शन है स्विस पैटर्न फाइल। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि नैरो वर्क के लिए किस स्पेशल फाइल का उपयोग किया जाता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए फिलर फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर स्लॉट प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड कैस्टल नट, स्लॉटेड कैस्टल नट में स्लॉट क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू फिक्स स्प्लिट पिन, मतलब स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है फॉर गुड अपेयरेंस, मतलब अच्छी अपेयरेंस के लिए, तीसरा ऑप्शन है रेड्यूस द वेट ऑफ नट, मतलब नट का वजन कम करने के लिए, और फिर चौथा ऑप्शन है फॉर इजी रिमूवल एंड फिट, मतलब आसानी से हटाने और फिट करने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्लॉटेड कैस्टल नट में स्लॉट क्यों प्रदान किए जाते हैं, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए टू फिक्स स्प्लिट पिन, मतलब स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लिमिट गेज, तो स्क्रीन पर आपको एक लिमिट गेज का डायग्राम दिखाया गया है। तो ये कौन से टाइप का लिमिट गेज है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्लेन रिंग गेज, दूसरा ऑप्शन है टेपर प्लग गेज, तीसरा ऑप्शन है प्रोग्रेसिव प्लग गेज और चौथा ऑप्शन है डबल एंडेड प्लग गेज। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए गेज का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रोग्रेसिव प्लग गेज। प्रोग्रेसिव प्लग गेज किस लिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिमिट गेज दिखाया गया है इसके गो और नॉट गो एंड दोनों एक ही साइड में है, इसलिए इसे प्रोग्रेसिव प्लग गेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज, तो स्क्रीन पर आपको एक गेज का डायग्राम दिखाया गया है, तो इस गेज को हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रिंग गेज, दूसरा ऑप्शन है प्लग गेज, तीसरा ऑप्शन है टेपर रिंग गेज और चौथा ऑप्शन है टेपर प्लग गेज। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए गेज का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए रिंग गेज, प्लेन रिंग गेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गेज इज यूज टू चेक द गैप बिटवीन द मैटिंग पार्ट, दो मैटिंग पार्ट के बीच के अंतर को चेक करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्लिप गेज, दूसरा ऑप्शन है प्लग गेज, तीसरा ऑप्शन है फिलर गेज और चौथा ऑप्शन है रेडियस गेज। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि दो मैटिंग पार्ट के बीच के अंतर को जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी फिलर गेज। जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करके देते हैं, इसके पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा जो वेबसाइट है www.elearnitia.in, इसमें जाकर भी आप जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सिक्स नंबर का जो क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज टू क्लीन द स्लिप गेज, स्लिप गेज को क्लीन करने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है वैक्स, दूसरा ऑप्शन है केरोसिन, तीसरा ऑप्शन है सोल्यूबल ऑयल और चौथा ऑप्शन है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्लिप गेज को क्लीन करने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज टू वॉश ऑफ द लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग, लैपिंग प्लेट को चार्जिंग करने के बाद धोने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑयल, दूसरा ऑप्शन है केरोसिन, तीसरा ऑप्शन है कूलेंट ऑयल और चौथा ऑप्शन है पेट्रोलियम जेली। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को साफ करने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी केरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज टू प्रोटेक्ट स्लिप गेज फ्रॉम रस्ट, स्लिप गेज को जंग लगने से बचाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑयल, दूसरा वैक्स, तीसरा केरोसिन और चौथा ऑप्शन है पेट्रोलियम जेली। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि स्लिप गेज को जंग लगने से बचाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम जेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसीजर टू बिल्ट अप द स्लिप गेज फॉर अ पार्टिकुलर डायमेंशन, कोई पार्टिकुलर डायमेंशन में स्लिप गेज को बनाने के लिए कौन से प्रक्रिया अपनाई जाती है, जैसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्टार्ट रिंगिंग विद द लार्जेस्ट स्लिप गेज, मतलब सबसे बड़े स्लिप गेज से रिंगिंग कर शुरू करके, दूसरा ऑप्शन है मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक, मतलब
स्लिप गेज की अधिकतम संख्या के साथ, या फिर तीसरा ऑप्शन है बिल्ट अप विथ ग्रेड जीरो एक्यूरेसी, मतलब ग्रेड जीरो एक्यूरेसी के साथ बिल्ट अप करके, या फिर चौथा ऑप्शन है स्टार्ट रिंगिंग विद द स्मॉलर स्लिप गेज, मतलब छोटे स्लिप गेज से रिंगिंग शुरू करके। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि किसी पार्टिकुलर डायमेंशन के लिए स्लिप गेज को बनाने की प्रक्रिया क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टार्ट रिंगिंग विद द स्मॉलर स्लिप गेज, मतलब जो स्लिप गेज के छोटे छोटे साइज के होते हैं सबसे पहले उनको रिंगिंग करके जोड़कर इसके डायमेंशन को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज, तो स्क्रीन पर आपको जो गेज दिखाया गया है इस गेज का नाम क्या है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है प्लेन स्नैप गेज, दूसरा थ्रेड स्नैप गेज, तीसरा थ्रेड पिच गेज और चौथा ऑप्शन है एडजस्टेबल स्नैप गेज। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए गेज का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एडजस्टेबल स्नैप गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिनिशिंग प्रोसेस हैज अ हाई डिग्री ऑफ डायमेंशनल एक्यूरेसी, किसी फिनिशिंग प्रक्रिया में उच्च स्तर की डायमेंशनल एक्यूरेसी होती है। जो क्वेश्चन है पूछा गया कि किस फिनिशिंग प्रक्रिया में उच्च स्तर की डायमेंशनल एक्यूरेसी होती है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फाइलिंग, दूसरा टर्निंग, तीसरा ग्राइंडिंग और चौथा ऑप्शन है लैपिंग। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि किस फिनिशिंग ऑपरेशन में उच्च स्तर की डायमेंशनल एक्यूरेसी होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द एब्रेसिव यूज फॉर लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल, सॉफ्ट स्टील और नॉन फेरस मेटल को लैप करने के लिए कौन से एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड, दूसरा ऑप्शन है डायमंड, तीसरा ऑप्शन है बोरान कार्बाइड और चौथा ऑप्शन है फ्यूज एलुमिना। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सॉफ्ट स्टील और नॉन फेरस मेटल को लैप करने के लिए कौन से एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्यूज एलुमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर ग्रूव प्रोवाइडेड ऑन द सरफेस प्लेट ऑफ द लैपिंग प्लेट, लैपिंग प्लेट की सरफेस पर ग्रूव क्यों दिए जाते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू अलाउ एक्सपेंशन, मतलब विस्तार की अनुमति देने के लिए, दूसरा ऑप्शन है टू प्रोवाइड क्लियरेंस, मतलब क्लियरेंस प्रदान करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है टू रिटेन द एब्रेसिव, मतलब एब्रेसिव को बनाए रखने के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन है टू परमिट माइनर एडजस्टमेंट, मतलब माइनर एडजस्टमेंट की अनुमति देने के लिए। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रूव क्यों दिए जाते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू रिटेन द एब्रेसिव, मतलब एब्रेसिव को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग, तो स्क्रीन पर आपको एक सरफेस हार्डनिंग का प्रोसेस दिखाया गया है, तो ये कौन सा मेथड है जो क्वेश्चन है पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है नाइट्राइडिंग, दूसरा ऑप्शन है पैक कार्बोराइजिंग, तीसरा ऑप्शन है फिल्म हार्डनिंग और चौथा ऑप्शन है इंडक्शन हार्डनिंग। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि सरफेस हार्डनिंग करने की विधि का नाम क्या है, जो स्क्रीन पर दिखाया गया है डायग्राम के तौर पर, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैक कार्बोराइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग, तो स्क्रीन पर आपको एक सरफेस हार्डनिंग का मेथड दिखाया गया है, तो ये कौन सा मेथड है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है नाइट्राइडिंग, दूसरा केस हार्डनिंग, तीसरा फिल्म हार्डनिंग और चौथा ऑप्शन है इंडक्शन हार्डनिंग। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाया गया सरफेस हार्डनिंग मेथड का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडक्शन हार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर रीहीटिंग द हार्डेड स्टील टू अ टेम्परेचर बिलो 400 डिग्री ऑन सेल्सियस फॉलो बाय कूलिंग। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि हार्ड स्टील को 400 डिग्री ऑन सेल्सियस से नीचे के तापमान पर दोबारा गर्म करने और फिर ठंडा करने की हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का नाम क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एनलिंग, दूसरा हार्डनिंग, तीसरा टेम्परिंग और चौथा ऑप्शन है नॉर्मलाइजिंग। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हार्ड स्टील को 400 डिग्री ऑन सेल्सियस से नीचे के तापमान पर दोबारा गर्म करने और फिर ठंडा करने की हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेम्परिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द टेम्परिंग प्रोसेस कैरी आउट इन स्टील, स्टील में टेम्परिंग प्रोसेस क्यों की जाती है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू ऐड कटिंग एबिलिटी, मतलब काटने की क्षमता बढ़ाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है टू रिलीव स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेन और स्ट्रेस को दूर करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर, मतलब ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन है टू रेगुलेट द हार्डनेस एंड टफनेस, मतलब हार्डनेस और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि
स्टील में टेम्परिंग प्रोसेस क्यों की जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू रेगुलेट द हार्डनेस एंड टफनेस, मतलब हार्डनेस और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनलिंग इन स्टील, स्टील में एनलिंग क्यों की जाती है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू ऐड कटिंग एबिलिटी, मतलब काटने की क्षमता बढ़ाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है टू इंक्रीज वियर रेसिस्टेंस, मतलब घिसाव के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, मतलब इंटरनल स्ट्रेस को दूर करने के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द स्टील, मतलब स्टील की ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्टील में एनलिंग का उद्देश्य क्या है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, मतलब इंटरनल स्ट्रेस को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द की, तो स्क्रीन पर आपको जो की दिखाया गया है इस की का नाम क्या है, जैसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है शंख की, दूसरा फीदर की, तीसरा फ्लैट सैडल की और चौथा ऑप्शन है हॉलो सैडल की। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्क्रीन पर दिखाया गया की का नाम क्या है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फीदर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ की का उद्देश्य क्या है, जैसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू ट्रांसमिट टॉर्क, मतलब टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है असेंबली पर्पज, मतलब असेंबली के उद्देश्य से। तीसरा ऑप्शन है लॉक द असेंबली पार्ट, मतलब असेंबली पार्ट को लॉक करने के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है परमिट क्लियरेंस बिटवीन मैटिंग पार्ट, मतलब मैटिंग पार्ट के बीच क्लियरेंस की अनुमति देने के लिए। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि की का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू रिटर्न टॉर्क, मतलब टॉर्क ट्रांसमिट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टेपर की, टेपर की का टेपर रेशियो कितना होता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 1:19, दूसरा ऑप्शन है 1:20, तीसरा ऑप्शन है 1:50 और चौथा ऑप्शन है 1:100। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि टेपर की का टेपर रेशियो कितना होता है, तो इसका आंसर है 1:100, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द की, तो स्क्रीन पर आपको की का डायग्राम दिखाया गया है, तो इस की का नाम क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टेपर शंख की, दूसरा ऑप्शन है फ्लैट सैडल की, तीसरा ऑप्शन है पैरेलल शंख की और चौथा ऑप्शन है हॉलो सैडल की। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्क्रीन पर दिखाया गया की का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेपर शंख की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ मेटल स्क्रू आर यूजफुल फॉर सेल्फ टैपिंग ऑन हार्ड और ब्रिटल मटेरियल, हार्ड और ब्रिटल मटेरियल पर सेल्फ टैपिंग के लिए किस प्रकार के धातु के स्क्रू उपयोग किए जाते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सेल्फ प्रेसिंग, दूसरा ऑप्शन है थ्रेड कटिंग, तीसरा ऑप्शन है थ्रेड फॉर्मिंग और चौथा ऑप्शन है हैमर ड्रिवन स्क्रू। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि हार्ड और ब्रिटल मटेरियल पर सेल्फ टैपिंग के लिए किस प्रकार के धातु का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थ्रेड कटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ विंग नट, विंग नट का फायदा क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इन कोच बिल्डिंग वर्क, मतलब बिल्डिंग वर्क के लिए उपयोग किए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है हैवी ड्यूटी असेंबली वर्क, मतलब भारी शुल्क असेंबली कार्य में उपयोग होता है। या फिर तीसरा ऑप्शन है लूज एंड टाइट विदाउट रेंज, मतलब बिना रेंज के लूज और टाइट करने के लिए। और चौथा ऑप्शन है प्रोवाइड डेकोरेटिव अपीयरेंस, मतलब सजावटी स्वरूप प्रदान करने के लिए। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि विंग नट का फायदा क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लूज एंड टाइट विदाउट रेंज, मतलब बिना रेंज के किसी स्क्रू को लूज और टाइट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज, तो स्क्रीन पर आपको जो गेज दिखाया गया है इस गेज का नाम क्या है। इसके लिए पहला ऑप्शन है पिच गेज, दूसरा एंगल गेज, तीसरा ऑप्शन है फिलर गेज और चौथा ऑप्शन है रेडियस गेज। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाया गया गेज का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेडियस गेज। इस तरह से आज के क्लास में हमने आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व किया है, इसके PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो हमारा वेबसाइट है www.elearnitea.in। और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें।